चलिए स्टार्ट करें। एक बार फटाफट सेक्शन वाइज रिवाइज कर लेते हैं हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि ऑलमोस्ट कल मैं फिनिश कर चुका था, ठीक है। तो आज तो केवल एक आपकी प्रॉब्लम्स वगैरह रहेंगी, छोटे मोटे दो चार पॉइंट्स होंगे वो डिस्कस मैं कर लूँगा। मतलब मेन जो चैप्टर है वो कल फिनिश हो चुका है आपका। देखिए, जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है उसके जो सेक्शन है, सेक्शन 22 से लेकर सेक्शन 27 तक है। सेक्शन 22 है चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन ये कहता है प्रॉपर्टी होनी चाहिए, प्रॉपर्टी में कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग और लैंड अपर्टनेंट दियर टू एसएससी शुड बी द ऑनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल कमर्शियल दोनों ही चलेंगी। खाली वैकेंट लैंड होगी उसका किराया हाउस प्रॉपर्टी के रूल्स के हिसाब से टैक्सेबल नहीं होगा। ये बिल्कुल भी मत मानिएगा कि वैकेंट लैंड का जो किराया वो टैक्सेबल नहीं होगा। मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि एक तहजीब होती है लोगों पढ़ने की, तमीज़ होती है, तो जिस जगह जो बात कर रहा हूँ बस उतना तक है वो बात कि हाउस प्रॉपर्टी के रूल्स एप्लीकेबल नहीं होंगे। लेकिन अगर प्रॉपर्टी के बिल्डिंग के बिल्कुल बराबर में कोई वैकेंट लैंड है, ठीक है ना, तो और बिल्डिंग के साथ उस वैकेंट लैंड को भी आप किराए पर चढ़ा देते हैं, तो दोनों का जो किराया है वो हाउस प्रॉपर्टी में ही टैक्सेबल होगा। रूल्स जो हैं हाउस प्रॉपर्टी के जो हैं वो लगते हैं। आप प्रॉपर्टी मैंने बता दिया कमर्शियल हो सकती है, रेजिडेंशियल हो सकती है। कमर्शियल में दुकानों को भी अगर आप किराए पर उठाएंगे तो वो हाउस प्रॉपर्टी में ही टैक्सेबल होगा, ठीक है। अब बात आती है कि सर निकालने का तरीका क्या है। तो एक प्रॉपर फॉर्मेट है हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालने का, और ये जो फॉर्मेट है ये किसी सेक्शन में गिवन नहीं है, ठीक है ना। ये नॉर्मल फॉर्मेट है, स्टार्टिंग विद ग्रोस एनुअल वैल्यू। अब हाउ टू कैलकुलेट ग्रोस एनुअल वैल्यू इज गिवन अंडर सेक्शन 23, ठीक है ना, कि सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो कैसा होगा, लेट आउट है तो कैसा होगा, डीम टू बी लेट आउट है तो कैसा होगा, वो सब वहाँ वैकेंट है तो कैसा होगा, वो सब वहाँ पर सेक्शन 23 में आपको गिवन है कि जीएवी कैसे निकलेगी। जीएवी कैलकुलेट करने के चार फैक्टर होते हैं, म्यूनिसिपल वैल्यू हो गया, फेयर रेंट वैल्यू हो गया, एक्चुअल रेंट हो गया और स्टैंडर्ड रेंट हो गया। तो स्टेप वन स्टेप टू में हम लोग निकाल लेते हैं उसकी। अब जीएवी निकालने के बाद उसमें से लेस होगा म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द ओनर। तो इसमें दो कीवर्ड हैं, पेड यानी कि एक्चुअली पेड हो जाने चाहिए प्रीवियस ईयर में। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि वो करंट ईयर के थे या पास्ट ईयर के थे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस पेड हो जाने चाहिए वो ईयर कोई सा भी हो। और पेड कौन करेगा, ओनर ही पेड करेगा। अगर टेनेंट ने पेड करे तो भी लेस नहीं होंगे। आफ्टर डिडक्टिंग म्यूनसिपल टैक्सेस यू अराइव्ड नेट एनुअल वैल्यू। फ्रॉम नेट एनुअल वैल्यू दो डिडक्शन अलाउड हैं अंडर सेक्शन 24, तो साथ ही 24 भी ख़त्म हो रहा है आपका। पहली है 30% ऑफ एनएवी, स्टैंडर्ड डिडक्शन बोलते हैं इसे, स्टेट्यूटरी डिडक्शन बोलते हैं इसे। दूसरी है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। ये दो डिडक्शन जो है माइनस करने के बाद आ जाती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यहाँ पहले करेंट, अगर क्वेश्चन में अनरिलाइज रेंट भी है, रिकवरी भी है और करंट ईयर की इनकम भी है, तो पहले करंट ईयर का क्वेश्चन होगा और लास्ट में हम क्या करते हैं, एड रिकवरी ऑफ एरियर ऑफ रेंट और एड रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट। तो ये जो रिकवरी ऑफ एरियर ऑफ रेंट है और रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट है, ये दिया हुआ है सेक्शन 25 कैपिटल ए में। ये टैक्सेबल होता है उस साल, टैक्सेबल होता है जिस साल ये रिसीव होता है, और पूरा टैक्सेबल नहीं होता। ये डिडक्शन ऑफ 30% इज अलाउड, ठीक है ना, जो 30% की डिडक्शन वो अलाउड हो जाती है। तो ये सेक्शन 25 कैपिटल ए भी मैंने साथ के साथ ख़त्म कर दिया, 24 हो ही चुका। सेक्शन 25 जो बीच में रह गया उसमें था इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल नॉट अलाउड ए डिडक्शन इफ पेड आउटसाइड इंडिया विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस। अगर बिना टीडीएस के आपने इंटरेस्ट का पेमेंट आउटसाइड इंडिया किया, ठीक है, तो वो अलाउड नहीं होगी। अगर इंडिया में बिना टीडीएस के करा अलाउड हो जाएगा, ठीक है ना। ये पूरी की पूरी लैंग्वेज याद रखनी है। बच्चे गलती क्या करते हैं, जो क्योंकि बाकी सब्जेक्ट में भी थ्योरी होती है, ठीक है, तो ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं बस और मोटा मोटा याद कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आपने करा कि विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस, ये तो याद रह गया, लेकिन ये याद नहीं रहा कि ये चीज़ कहाँ के लिए लिखी हुई थी, तो भी तो गलती होगा ना। इंडिया से आप उधार ले लीजिए, टीडीएस मत काटिए। गलती ये भी है, ऐसा भी बता दूं, जब आप टीडीएस का चैप्टर पढ़ोगे आप, तो इंडिया से में अगर आप ब्याज दे रहे हैं तो कुछ सिचुएशन में टीडीएस वहाँ पर भी काटना ज़रूरी होता है। गलती पर तो हैं आप अगर आपने टीडीएस नहीं काटा,
लेकिन उस गलती का खामियाजा आपको उस चैप्टर में बता दिया जाएगा कि क्या भुगतना पड़ेगा, उसका जो इम्पैक्ट है इस चैप्टर में नहीं आ रहा। लेकिन अगर आपने इंडिया से बाहर पेमेंट किया विदाउट डिडक्टिंग TDS तो उस चैप्टर में खामियाजा अलग, इस चैप्टर में खामियाजा अलग, मतलब इम्पैक्ट कई सारे आ गए फिर, कि ना तो डिडक्शन मिल रही तुम्हें और खाली इतना ही नुकसान नहीं है कि तुम्हें डिडक्शन नहीं मिली, क्योंकि तुम SSC इन डिफॉल्ट हो, एक रूल था तुम्हारे ऊपर जो लगना चाहिए था और तुमने उसका कहना नहीं माना, तो उसका भी तो हम कुछ ना कुछ करेंगे ना, वो चैप्टर की बात हो जाएगी जब हम TDS का चैप्टर पढ़ेंगे। तो दिस इज सेक्शन 25। सेक्शन 26 था ओनरशिप का, इफ़ ए प्रॉपर्टी इज ऑन बाय टू और मोर पर्सन ज्वाइंटली, ठीक है ना, तो इट इज़ नॉट एसेसेबल एज AOP। ये सेक्शन 26 जो है एक्सेप्शन भी है पूरी इनकम टैक्स का। अदरवाइज क्या होता है कि अगर ओनरशिप टाइप की बात होती है तो हमेशा आपका असेसमेंट जो होता है वो AOP की तरह होता है, लेकिन इस केस में अगर जो शेयर्स हैं असर्टेनेबल हैं तो उस केस में भी आपका असेसमेंट AOP की तरह नहीं होगा। आप पहले कंप्यूट कीजिए इनकम, इफ़ द प्रॉपर्टी लेट आउट देन फर्स्ट कंप्यूट द इनकम एंड देन डिवाइड द शेयर अकॉर्डिंगली, जो भी आपका ओनर्स हैं उसमें डिवाइड कर दीजिए। लेकिन इफ़ द प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड देन कैलकुलेट इनकम सेपरेटली एंड ईच को ओनर इज एंटाइटल्ड ए डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 30,000 या 2 लाख एज द केस में भी इंडिपेंडेंटली रेस्पेक्टिवली, यानी कि वो डिडक्शन कम्बाइंड नहीं है, वो अलग अलग कोनर को वो डिडक्शन मिल जाएगी। तो दिस इज सेक्शन 26। नाउ कम टू ऑन सेक्शन 27, वो डीम्ड ओनरशिप का केस है। डीम्ड ओनरशिप में क्या है, इफ़ एन इंडिविजुअल ट्रांसफर हिज और हर हाउस प्रॉपर्टी टू हिज और हर स्पाउस विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन और विदाउट एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, देन इनकम फ्रॉम सच प्रॉपर्टी शैल बी टैक्सेबल इन द ट्रांसफरर हैंड्स ओनली, ठीक है ना। दो केसेज में नहीं होगी, या तो आपने कुछ कंसिडरेशन का आदान प्रदान किया हुआ है तो फिर नहीं होगा, या फिर एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट है स्पाउस के साथ, तो असेसमेंट ट्रांसफरर के हाथ में ना हो के फिर जिसकी है जो रियल ओनर है यानी कि ट्रांसफर ही है उसी के हाथ में वो असेसमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट है, इफ़ एन इंडिविजुअल ट्रांसफर हिज और हर हाउस प्रॉपर्टी टू हिज और हर माइनर चाइल्ड नॉट बीइंग ए माइनर मैरिड डॉटर विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन विदाउट एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट में नहीं है, देन इनकम फ्रॉम सच प्रॉपर्टी शैल बी एसेस्ड इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल हु ट्रांसफर द प्रॉपर्टी। समझ में आती है बात है आपके। तीसरा आपका था होल्डर ऑफ इम्पार्टेबल एस्टेट, चौथा था मेंबर, वो पढ़ाया नहीं है, मेंबर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह कंपनी वगैरह, तो ये अलग तरह का थोड़ा सा केस है, जब मैं समझाऊंगा तो माइंड ओपनिंग ज़बरदस्त तरीके से होगी कि किस तरह की प्लानिंग लोग बाग करते हैं, ठीक है, किस वजह से ये फिर ये इन्हें इंसर्ट करना पड़ा। उसके बाद हमने पढ़ा था कि एनी एग्रीमेंट एनी अरेंजमेंट, अगर आप कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हैं या अलाउ कर रहे हैं, इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेफर्ड इन सेक्शन 53A ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, तो उसमें भी क्या होता है ये डीम्ड ओनरशिप का कॉन्सेप्ट लगता है। ऑल दो रजिस्ट्री बायर के नाम नहीं है, केवल बायर को पजेशन ही मिला है, लेकिन तब भी इनकम निकालने के लिए बायर को ही क्या मानना पड़ेगा, डीम्ड ओनर मानना पड़ेगा। इसके अलावा कि अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हो अंडर ए लीज एग्रीमेंट, ठीक है ना, फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 12 ईयर, तो इस केस में भी जो टेनेंट है जो ट्रांसफरी है जो लेसी है शैल बी ट्रीटेड एज डीम्ड ओनर। तो दिस इज सेक्शन 27। क्लियर होगी बात ये। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन मैंने कुछ दिए थे घर से करने के लिए, नहीं दिए थे बिल्कुल भी, तो गलती कर दी। आप पूछ लिया करो ऐसी गलतियाँ अगर मैं कर दूँ तो बता दिया करो गलती सुधारने के लिए कि सर आज आपने होमवर्क नहीं दिया, मतलब ये कोई नहीं सुधारेगा गलती। अब देखिए अब होगा क्या, आज ही बहुत सारा होमवर्क मिल जाएगा फिर आपको, थोड़ा थोड़ा बढ़ता चला जाता आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अब आपने गलती करवा दी कल तो अब आपको ही आज झेलनी पड़ेगी वो गलती। सर हमने थोड़ी करवाई है, आपने करी आपकी है।
मेरी गलती है तो कोई बात नहीं, मैं आज सुधार लूँगा गलती उसे। मैं एक दिन काम नहीं करा तो अगले दिन डबल काम कर दूंगा ना, तो सुधार लूँगा। चलिए खैर, हाँ लिखवा रहा हूँ। एक दो पॉइंट और डिस्कस कर दूँ फिर आपको लिखवा रहा हूँ मैं सारा का सारा। तीन ही तो सेक्शन लिखवाने हैं, आधा घंटे में ख़त्म हो जाएंगे। 25 कैपिटल ए, 26 और 27, आधा पौन घंटे में ख़त्म हो जाएंगे। देखिए एक कॉन्सेप्ट और है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं लॉ में, ये समझ लीजिए कि बहुत सारी चीज़ें लॉ में सेक्शन में नहीं होनी है, ठीक है ना। अगर सेक्शन में होके हर चीज़ काम चल जाती है तो फिर कोर्ट कचहरी की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कभी बात आपने सुना हो किसी से कि जो कंपनी एक्ट 2013 है ये अभी मैच्योर नहीं है, ठीक है ना। इसका तो जन्म हुआ है बेचारे का अभी। मैच्योरिटी कैसे कहते हैं, जब लग जाएँ 30-40 साल 50 साल आपके, जो दिक्कतें आती हैं समय समय पर डे बाय डे, तो उनका फिर समाधान निकाला जाता है। इनकम टैक्स एक मैच्योर एक्ट है क्योंकि ऑलरेडी 60-70 साल का बूढ़ा हो चुका है, तो एक मैच्योर एक्ट है। तो बहुत सारी चीज़ें सेक्शन में नहीं होनी है। अब एक कॉन्सेप्ट आता है स्टेपिंग अप स्टेपिंग डाउन, जिसका कोई सेक्शन से मतलब नहीं है, लॉजिक से मतलब है। फॉर एग्जांपल स्टेपिंग अप स्टेपिंग डाउन में अगर कोई खर्चे हैं जो कि ड्यूटी है ओनर की लेकिन पेड बाय द टेनेंट है, अगर कोई खर्चे हैं जो ड्यूटी है ओनर की लेकिन पेड बाय द टेनेंट है, तो ARR उन खर्चों से इंक्रीज किया जाएगा। कैसे सर? मैं अपनी प्रॉपर्टी किसी को किराए पर दे रहा हूँ, मैं अपनी प्रॉपर्टी किसी को क्या कर रहा हूँ, किराए पर दे रहा हूँ। अब किराए पर दे रहा हूँ, मैंने कहा 10,000 per month है, उसका ट्रैवल एजेंट का काम भी था, मैं घूमने फिरने का बड़ा शौकीन हूँ, मैंने कहा 10,000 तो आपको किराया देना पड़ेगा प्लस 5,000 रुपये महीने की आपको ट्रैवलिंग करानी पड़ेगी, उसका मैं कुछ चार्ज नहीं दूंगा। हाँ 5,000 से ज़्यादा करता हूँ तो मैं चार्ज दूंगा। तो आपको क्या लगता है कि ARR कितना है, एक्चुअल रेंट कितना है? 15,000। तो यानी कि जो दिख रहा है तुम्हें एक्चुअल रेंट कि 10,000 रुपये रिसीव हो रहा है, उसे स्टेपिंग अप कीजिए, उसे बढ़ाइए। क्यों बढ़ाना पड़ रहा है? क्योंकि बिकॉज जो ड्यूटी है टू बियर द एक्सपेंसेस ओनर की, वो बियर किए जा रहे हैं टेनेंट के द्वारा। तो अगर ऐसे खर्चे दिखते हैं आपको तो किराए में बढ़ाइए। इसके उलट भी हो सकता है, मैंने कहा कि जी मकान का किराया 10,000 है और इसमें आपको 2,000 रुपये महीना की बिजली भी फ्री है, अगर 2,000 रुपये तक का बिल आता है तो आपको कुछ नहीं देना, हाँ 2,000 रुपये से ऊपर का आता है तो आप मुझे एक्स्ट्रा देंगे, तो मकान का किराया कितना रह गया भाई? 8,000। क्यों? क्योंकि मकान के साथ बिजली थोड़ी फ्री होती है, लेकिन अगर वो दी जा रही है आपको, इसका मतलब एक्चुअल में तो मकान का किराया फिर 2,000 रुपये कम है। तो लॉजिकल बातें हैं, इसे कुछ अलग से कुछ मुझे लिखवाने की भी ज़रूरत नहीं है, वो तो क्वेश्चन में जैसी आएंगी तो ऑटोमेटिकली आप पहचान लीजिएगा कि अगर कोई खर्चा है, अगर कोई भी एक्सपेंसेस है जो कि ड्यूटी थी ओनर की पेड बाय द टेनेंट है, देन एक्चुअल रेंट इज स्टेपिंग अप। और अगर रिवर्स है, अगर कोई खर्चा ड्यूटी थी टेनेंट की एंड बोर्न बाय द ओनर, देन ARR शैल बी स्टेपिंग डाउन, यानी कि उसे आपको कम करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप क्या करोगे, कंपेरिजन जो आप करते हो म्यूनसिपल वैल्यू वगैरह से वो करोगे, ठीक है। बाकी हर तरह का ये चैप्टर मतलब फिनिश हो चुका है, ठीक है, अगर हम चैप्टर के बाद बारे में बात करें। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि 2-3 चैप्टरों से मिलके क्वेश्चन आ गया, जैसे रेडेंस स्टेटस अभी आपने पढ़ लिया, अब एक टॉपिक भी बना हुआ होगा कि अगर कोई प्रॉपर्टी फॉरेन में सिचुएटेड है तो कैसे इनकम निकालेंगे, कुछ नहीं है, जैसा आप निकालते हो वैसे ही निकालना है आपको, फॉरेन में भी जो सिचुएटेड है वैसे ही निकालना है, समझ में आ रही बात। लेकिन वो टैक्सेबल होगी या नहीं होगी वो डिपेंड करता है आपके रेजिडेंस स्टेटस पर, यानी कि अगर आप रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो टैक्सेबल हो जाएगी वो इनकम, लेकिन अगर आप रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी हैं या नॉन रेजिडेंट है तो वो टैक्सेबल नहीं होगी। तो ये वाली बात कोई हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर की थोड़ी है, ये तो आपको जो चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, क्योंकि इनकम निकालने के चैप्टर तो ये हैं, लेकिन वो टैक्सेबल करनी है या नहीं करनी
विल डिपेंड अपॉन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द एसएससी, वो तो रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर डिपेंड करेगा ना। तो कभी आप सोचें कि यार ये कहाँ से नया पॉइंट आ गया, तो याद कम से कम करना आपको, अगर चीज़ समझ ली आपने तो अपने आप ही हजारों किस्म के जो क्वेश्चंस हैं वो ऑटोमेटिकली आपके तैयार हो जाएंगे। नहीं तो कहाँ तक याद करोगे भाई इस चीज़ को कि कब टैक्सेबल होनी है कब टैक्सेबल नहीं होनी। ये चैप्टर केवल इनकम को निकालने का तरीका बताता है, बाकी तो लिंक आपका उसी से। अच्छा ये बताइए, म्यूनसिपल टैक्सेज अगर फॉरेन प्रॉपर्टी का केस है, म्यूनसिपल टैक्सेज पेड आउटसाइड इंडिया विच इज लेविड बाय द म्यूनसिपल अथॉरिटी ऑफ फॉरेन कंट्री, डिडक्ट होगा या नहीं होगा? आयुष अंकुश अंकुश सॉरी, अच्छा देख के बताओगे भाई। तो डिडक्ट होगा नहीं होगा? क्यों? जो मैंने लैंग्वेज लिखा दी वो एक परफेक्ट लैंग्वेज है। जब हम फॉर्मेट पढ़ते हैं म्यूनिसिपल टैक्सेज पेड बाय ओनर, बात खत्म। अगर ऐसी बात होती पेड इन इंडिया लेविड बाय द म्यूनिसिपल अथॉरिटी विच इज सिचुएटेड इन इंडिया, तो मैं लिखवाता उस चीज़ को। ये जो लॉजिक लगाते हैं आप, ये हानिकारक हो जाएंगे। तमीज डेवलप कीजिए लोगों पढ़ने की, कुछ लॉजिक नहीं लगना आपका, लगना कॉन्सेप्ट है, लगनी लैंग्वेज है। लॉजिक क्या था आपका? या बाहर पेमेंट कर ऐसा गवर्नमेंट कैसे कर देगी अलाउ, ऐसे ही तो सोच रहे थे आप, जबकि लैंग्वेज में तो ऐसा कुछ है नहीं। तो वो अलाउड हो जाएंगे। समझ आ रही है बात आपके? डॉलर वगैरह में अगर आपको रेंट दे रखा है, इनकम निकाल लीजिए, बाद में कन्वर्ट कर दीजिएगा इंडियन करेंसी में, वो क्वेश्चन में दे रखा होगा, या पहले ही कन्वर्ट कर लीजिएगा तब इनकम निकालिए, वो आपकी टोटली मर्जी है कि आपको कैसा करना है। लेकिन आप ये सोचें कि अलग से कुछ रूल है, अलग से कुछ भी रूल नहीं है, ये कंप्लीट हो चुके हैं आपके रूल। क्लियर है? तो क्वेश्चन तो आप कह रहे हो मैंने कुछ दिए ही नहीं थे, तो प्रॉब्लम होगी नहीं आपकी, आपने अपनी तरफ से तो किए ही नहीं होंगे। तो लिखिए चलिए, क्या लॉजिक आप समझिए। चलो पहले लिखो आप सेक्शन 25, सेक्शन 25, सेक्शन 25 लिखिएगा, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इज नॉट अलाउड ए डिडक्शन if paid outside India, इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा पेड आउटसाइड इंडिया को, इफ पेड आउटसाइड इंडिया विदाउट डिडक्टिंग TDS, विदाउट डिडक्टिंग TDS, बिना TDS के, सेक्शन 25 कैपिटल ए, इसकी तो हेडिंग भी डाल सकते हो आप, रिकवरी ऑफ एरियर ऑफ रेंट एंड अनरियलाइज्ड रेंट, सेक्शन 25 कैपिटल ए की हेडिंग डाल दीजिएगा,
रिकवरी ऑफ एरियर ऑफ रेंट, रिकवरी ऑफ एरियर ऑफ रेंट एंड अनरियलाइज्ड रेंट। लिखिएगा आगे, इफ द एसएससी रिसीव्ड, रिसीव को अंडरलाइन कर लीजिएगा, इफ द एसएससी रिसीव्ड इन एनी प्रीवियस ईयर इफ द एसएससी रिसीव्ड अंडरलाइन रेंट और एरियर रेंट लिखवा दिया ना, क्या लिखवाया फिर? अच्छा, इफ द एसएससी रिसीव्ड इन एनी प्रीवियस ईयर एरियर ऑफ रेंट ऑब्लिक अनरियलाइज्ड रेंट, एरियर ऑफ रेंट ऑब्लिक अनरियलाइज्ड रेंट, देन दिस अमाउंट यानी कि जो रिकवरी है, दिस अमाउंट शैल बी टैक्सेबल, then this amount shall be taxable after allowing 30% deduction, after allowing 30% deduction, then this amount shall be taxable after allowing 30% deduction, तो जो after allowing 30% deduction है इसे bracket में भी बंद कर सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है, तो then this amount shall be taxable in the year in which इट इज रिसीव्ड, क्लियर? सेक्शन 26, सेक्शन 26 घर कैसे जाओगे आप? प्रॉपर्टी ओन्ड बाय प्रॉपर्टी ओन्ड बाय को ओनर, सेक्शन 26। कल मैं आपका टेस्ट ले रहा हूं भाई, क्या मतलब टेस्ट ले रहा हूँ हाउस प्रॉपर्टी का, बस ठीक है ना, उसका भी ले ले सकता हूँ, हॉलीडे से पहले ही आप दिलवा दीजिए टेस्ट को, कुछ भी नहीं है इसमें, आप टेंशन मत लीजिए, चलिए पहले आप ही लिखिए, आप बाद में डिस्कस कर लेंगे। हाँ बताइए, इसमें लिखा है दिस इज रिसीव्ड इन एनी प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर में रिसीव हो गई, और फिर ये क्या कि और जो अमाउंट रिकवरी की वो टैक्स से लोगे उस ईयर में जितना वो रिसीव हुआ। हां तो वही तो कह रहे हैं, प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर का मतलब क्या है? जिस साल में रियलाइज रेंट होगा, जिस साल वो रिकवर हुआ उस साल टैक्स। हां बस ये तो लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर, अरे किस जिस ईयर में रिसीव हुई है, जिस प्रीवियस ईयर में, उस साल टैक्सेबल हो जाएगी। ऐसे ना लगवाया करो, लगता बहुत है आपको, जो भी ईयर है क्वेश्चन में। देखिए हम बात कर रहे हैं सेक्शन 26 की, प्रॉपर्टी ओन्ड बाय कोनर, तो लिखिएगा, टेस्ट बाद में डिस्कस करेंगे, वो हलचल मच जाती है, ये मतलब है, रिकॉर्डिंग में आती है बेमतलब की बातें, तो पहले हम पूरा लेक्चर ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद कैमरा ऑफ हो जाएगा, उसके बाद आपसे तसल्ली से बात होगी। इसमें लिखिएगा आप, इफ़ एनी प्रॉपर्टी
इफ एनी प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय टू और मोर पर्संस then income from such property shall not be assessed as an AOP, association of person. Income from such property shall not be assessed as an AOP, association of person. Next line se likhega. Next line se likhega. Income of such property shall be calculated as under. Income from such property shall be calculated as under. Next line से लिखेगा, if the property is let out, ये heading हो जाएगी. तो heading बना के लिखेगा आप आगे. Calculate income. Calculate income of such property as it is owned by one owner. Calculate income of such property as if it is owned by one owner. मतलब जो है नॉर्मल तरीका है वह निकालिए. Then distribute the income. In the hands of co-owner. क्लियर होगी बात, ये जो भी उनके शेयर्स होंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का वो. नेक्स्ट लाइन लिखेगा, इफ द प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड. क्योंकि कॉर्नर में ना अगर लेट आउट है तो क्या रूल है, सेल्फ ऑक्यूपाइड तो क्या रूल है. तो इफ द प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड कैलकुलेट इनकम ऑफ सच प्रॉपर्टी एज पर सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 जो है ना वो सेल्फ ऑक्यूपाइड की इनकम निकलवाता है. तो चाहो तो आप बराबर में लिख लीजिएगा कि सेल्फ ऑक्यूपाइड, मतलब ब्रैकेट में लिख लीजिएगा क्योंकि सेक्शन याद नहीं रहेगा आपको. तो कैलकुलेट इनकम ऑफ सच प्रॉपर्टी एज पर सेक्शन 23(2) अब ब्रैकेट में लिख लिया होगा आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड, ठीक है ना, फॉर ईच को ओनर सेपरेटली. यानी कि यहाँ पर इनकम हम पहले निकालें बाद में बांटें ऐसा नहीं है. यहाँ पर क्या होगा सेल्फ ऑक्यूपाइड में सबके लिए अलग अलग इनकम पहले निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना. फुल स्टॉप हो गया होगा. ईच को ओनर सेल बी एंटाइटल्ड ए डिडक्शन ऑफ थर्टी थाउजेंड ऑब्लिक टू लैख
एज द केस मे बी, एज द केस मे बी, एज द केस मे बी फॉर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, क्लियर। ये भी खत्म हो गया 26 ना। लास्ट का जो है वो है सेक्शन 27 डीम्ड ओनर, सेक्शन 27 डीम्ड ओनर, सेक्शन 27 डीम्ड ओनर। पहला पॉइंट लिखिएगा, इफ एन इंडिविजुअल if an individual transfer his or her if an individual transfer his or her house property if an individual transfer his or her house property to his or her spouse to his or her spouse then transferor shall be deemed to be the owner of then Transferor shall be deemed to be the owner of property. अगली लाइन से लिखिएगा इसमें, पहले पॉइंट ही है अभी, पहले पॉइंट के अंदर ही अगला है। However, this will not cover the cases. Where such property is transferred with adequate consideration or with an agreement to live apart क्लियर हो गया। अगर आपने without consideration without adequate सुना होगा ना, मैंने लैंग्वेज चेंज करा के सेंस वही आएगा ना, पहले लिखवा दिया हमेशा कवर्ड है, फिर ये लिखवा दिया कि इसलिए मैं ये दो केस कवर नहीं है, या तो आपने एडुकेट कंसिडरेशन लेके कराओ तो ट्रांसफरर फिर डीम्ड ओनर नहीं माना जाएगा, या एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट हो तो भी ट्रांसफरर डीम्ड ओनर नहीं माना जाएगा, अदरवाइज हमेशा ही माना जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट लिखिएगा, इफ एन इंडिविजुअल ट्रांसफर his or her property to his or her minor child, then transferor shall be deemed to be the owner of such property. Then transferor shall be deemed to be the owner of such property.
इसमें भी एक्सेप्शन लिखवानी पड़ेगी। हाउएवर वी हैव द प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू ए माइनर मैरिड डॉटर ट्रांसफर टू ए मैरिड माइनर डॉटर हाउएवर हियर ए प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू ए मैरिड माइनर डॉटर देन दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई देन दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई। अगर मैरिड माइनर डॉटर को आपने किया है ट्रांसफर तो ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, इसका मतलब पेरेंट्स जो हैं डीम्ड ओनर नहीं माने जाएंगे। और मैरिड हाँ मुझे यही लग रहा था, कल से क्वेश्चन नहीं आए। हाँ मुझे ये लग रहा था कि एक तमीज़ और सिखानी पड़ेगी, गलती इसमें आपकी नहीं है, आना चाहिए था क्वेश्चन, ये तभी तो तमीज़ आएगी जिससे आपको समझ में आए कि लोग कैसे पढ़ा जाता है। क्योंकि मैंने कहा 22 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, हर बैच में उठता है, पहले दिन ही उठ जाता है, कल आप पढ़ के चले गए और क्वेश्चन एकदम आया नहीं। तो तमीज़ नंबर तो नहीं पता मुझे कौन सा तमीज़ सिखा रहा हूँ मैं, लेकिन एक नई तमीज़ आप सीखिए। देखिए जब हम लोगो पढ़ते हैं, किसी भी लोगो पढ़ते हैं, तो एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपने कानून पर ध्यान देना है। आपको दिक्कत क्या है कि सर माइनर मैरिड डॉटर की शादी कैसे हो गई? हो गई, जिस एक्ट में मना है वो एक्ट जाने, उसे हम क्या करेंगे हमें ये पता है। आप ये कहते हो कि मेरे कैसे हो सकती है, कानून में तो मर्डर होना भी मना है। ठीक है, होते नहीं है, हमें तो अब आगे की बात करनी है ना। जिस एक्ट में मना है वो एक्ट उनका क्या बिगाड़ेगा वो छोड़ो, हमें उससे मतलब नहीं है। इनकम टैक्स के क्या प्रावधान है उस पर ध्यान केंद्रित करना है आपको। अगर हो गई तो हम क्या करने जा रहे हैं इनकम टैक्स वाले, ठीक है ना। तो आपके क्वेश्चन बिल्कुल नहीं होने चाहिए आगे से कि सर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि ये तो मना है। चीजें हर मना है तो क्या होती नहीं है? अलाउड है। आप ध्यान रखिए सीए फाउंडेशन में फ्री कंसेंट में जो पहला एलिमेंट है फ्री कोअर्शन, एक एंड प्लान। आपने किसी को धमकी दे के कोई एग्रीमेंट करवाया, ठीक है ना, इंडियन पैनल कोड में कोई काम बनाया तो वो कोअर्शन होता है। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या होगा, क्या की सजा हो जाएगी? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो अगर ये शिकायत जाती है साबित हो जाती है तो ये बस कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीड पार्टी। अपने जो धमकी दी थी इसने तो मर्डर कर दिया था, फिर मैं उससे डर के कॉन्टैक्ट कर बैठा। हम नहीं जानते, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाले नहीं जानते इस बात को। आपको अगर ये शिकायत करनी है तो अलग से भी एक कानून बना हुआ है इंडियन पैनल कोड, आप उसमें अलग से याचिका लगेगी। दो अलग अलग एक्ट में केस चलेगा, दोनों की सुनवाई अलग होगी, दोनों के वकील अलग होंगे। हर एक्ट को अपने से मतलब होना है, तो ये भी एक तमीज़ आज आप में डेवलप करी मैंने। तुम तो लगातार बातें करती रहती हो, फिर एकदम क्वेश्चन आएगा सर, आराम की मुद्रा में रहती हूँ बिल्कुल ऐसे। मुझे भी एक आराम कुर्सी लानी पड़ेगी, एक उस पर आराम से बैठ के बैठाना पड़ेगा। सोफा होता ना एक, कौन सा नाम लिया, क्राउच बोलते हैं उसे, काउच बोलते हैं। अच्छा मुझे नाम में तो नहीं पता, मतलब एक पूरा होता है उसमें फिर सिराने लगाने के लिए भी एक सब कुछ, सब क्या मतलब इसमें शर्माने वाली क्या बात थी, मतलब कुछ ऐसी बात कहने चाह रहे थे जिनमें शर्माना था मुझे भी। चलिए क्या ये भी हो गया आपका। थर्ड केस कीजिएगा इसमें डीम्ड ओनर में, होल्डर ऑफ
यहाँ से आवाज़ आई डबल मीनिंग डबल मीनिंग। ये गलत है। नहीं सर, वो आपके लिए नहीं हो रही है। किसी के लिए मतलब देखो मीनिंग एक ही होता है जिसका भी है वो, आप ऐसा भी समझ लीजिए वैसा भी समझ लीजिए, वो डबल मीनिंग जो है ना समझने वाले के दिमाग में होता है। नहीं तो जो कह रहा हूँ उसे तो पता है मैं किस सेंस में कह रहा हूँ, बताओ मैं गलत कह रहा हूँ। चलिए क्या, होल्डर ऑफ एन इम्पार्टेबल एस्टेट, होल्डर ऑफ एन इम्पार्टेबल एस्टेट, ये थर्ड केस है डीम्ड ओनरशिप का, बस इतना ही है, काफ़ी है, यही हेडिंग है, यही लैंग्वेज है, इसी से काम चला है, इससे काम चल जाना है, ये हेडिंग बनवाऊंगा, इससे भी आगे फिर मुझे लिखवाना ही पड़ेगा। ये होल्डर ऑफ इम्पार्टेबल एस्टेट शैल बी डीम्ड टू बी द ऑनर ऑफ सच हाउस प्रॉपर्टी, बस ये है। नेक्स्ट लिखिएगा, लिखवा देता हूँ, आल दो मैंने वो पॉइंट समझाया नहीं है आपको क्योंकि लैंग्वेज तो हम पूरी कर ही देते हैं। मेंबर ऑफ ए कंपनी और ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, मेंबर ऑफ ए कंपनी और ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, मेंबर ऑफ ए कंपनी और ए कोऑपरेटिव सोसाइटी शैल बी डीम्ड ऑनर ऑफ सच प्रॉपर्टी। लैंग्वेज और भी लिखवाई जा सकती थी बुक में, और भी लैंग्वेज पेपर में काम चल जाएगा। जब हम कैपिटल गेन पढ़ेंगे तो कैपिटल गेन में फुल लैंग्वेज ही मैं समझाऊंगा उस चीज़ को समझाने के लिए, लेकिन यहाँ पर आपका काम चल जाएगा कि अगर मेंबर हैं आप कोऑपरेटिव सोसाइटी के या कंपनी के, तो जो मेंबर है वो डीम्ड ओनर माना जाता है इफ़ प्रॉपर्टीज जो अलॉटेड हुई है, इन्हें हाउसिंग बिल्डिंग स्कीम वगैरह ये भी नाम है, लेकिन ये साइलेंट है, ये तो मान लिया जाएगा कि हाँ ये आपको पता होगा, इससे काम चल जाना है। नेक्स्ट है, एनी प्रॉपर्टी, एनी प्रॉपर्टी विच इज अलाउड टू रिटेन, एनी प्रॉपर्टी विच इज अलाउड टू रिटेन इन पजेशन, एनी प्रॉपर्टी विच इज अलाउड टू रिटेन इन पजेशन ऑफ बायर इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट रेफर्ड इन सेक्शन, रेफर्ड इन सेक्शन 53 कैपिटल ए, रेफर्ड इन सेक्शन 53 कैपिटल ए ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, समझाई दिया था मैंने कल। और लास्ट है, एनी प्रॉपर्टी विद ट्रांसफर टू ए लेसी, एनी प्रॉपर्टी विद ट्रांसफर टू ए लेसी ऑब्लिक टेनेंट टू लेसी ऑब्लिक टेनेंट फॉर मोर देन 12 ईयर, फॉर मोर देन 12 ईयर्स। इसमें वो चीज़ मैं समझाई दिया था आपको, मतलब पेपर में लिखने की जो होती हैं, क्योंकि जितना आप शॉर्ट में लिख सकते हैं
उतना ज़्यादा ईजी है। ज़्यादा लैंग्वेज में कई बार आदमी कन्फ्यूज हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से मैं समझाई दिया था कि हाउ एवर दिस वुड नॉट कवर द केसेज वेयर ए लीज इज फॉर ए मंथ टू मंथ बेसिस और फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। यानी कि अगर लीज मंथ टू मंथ बेसिस पर दी गई है, हर महीने रिन्यू हो रही है, या एक साल में एक साल से ज़्यादा के लिए नहीं दी जा रही है, यानी कि एग्जैक्टली एक साल के लिए दी जा रही है, तो फिर उस केस में ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। समझ में आ गई बात? समझ में आयो? बढ़े हैं अब आगे, आपकी अलग दुनिया चलती है। ऐसा क्यों चलता है आपके साथ अलग दुनिया? तो ये हो गया आपका हाउस प्रॉपर्टी एंड। समझ में आ गई बात आपके? आयो, चलो इसी में जो मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी है, समझाने की कोशिश करता हूँ उसे दोबारा, मतलब पहली बार। बाकी तो कैपिटल गेन से उसका लिंक है, लेकिन मुझे बेटा क्यों बनाना पड़ा इन्हें वो नियम, क्या टैक्स प्लानिंग हो गई थी, तो कैपिटल गेन का रेफरेंस देके फिर समझा देता हूँ उस चीज़ को मैं, क्योंकि लग रहा है कि मुझे अब लोगों को समझने की जो अकल है आ रही है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना कोई टेक्निकल पॉइंट मुझे समझाना है, तो वो समझ में ही तब आएगा आपके, जब वो एक लेवल तो हो ना आपका, अदरवाइज वो लेवल अगर नहीं है तो फिर वो दिक्कत करता है। देखिए कैपिटल गेन में जब हम पढ़ेंगे, तो कैपिटल गेन में हम पढ़ेंगे कि अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी बेची, टेक्निकल वर्ड यूज नहीं कर रहा मैं फिलहाल, अदरवाइज वहाँ के टेक्निकल वर्ड अलग हैं, वो जब मैं उस चैप्टर को पढ़ाऊँगा तो मैं प्रॉपर्टी नहीं बोलूँगा, कैपिटल एसेट, फिर कैपिटल एसेट की डेफिनेशन है उसमें, ठीक है ना। तो मैं साधारण भाषा में बता रहा हूँ आपको, मोटे मोटे तौर से बता रहा हूँ कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी आपने ट्रांसफ़र करी, उसमें आपकी बिल्डिंग भी हो सकती है, तो उस पर जो प्रॉफिट होगा वो टैक्सेबल है, वो निकाला कह जाएगा, वो पूरा चैप्टर उसके ऊपर। जैसे हम 7वीं 8वीं के बच्चे से पूछें, बेटा अगर एक ज़मीन है, एक बिल्डिंग है 10 लाख रुपये में खरीदी, खरीदने के बाद 2 लाख रुपये आपने उसके कंस्ट्रक्शन में कुछ रेनोवेशन में लगाए, अब आपने 4-5 साल बाद 20 लाख रुपये की बेची, बताओ बेटा कितना प्रॉफिट हुआ? तो एकदम झट से जवाब आ जाएगा 8 लाख का। तो मोटा मोटा यही है कैपिटल गेन, मोटा मोटा यही है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का जो क्वेश्चन होगा, जो सॉल्यूशन होगा, 3 लाइनों में ख़त्म होता है। क्वेश्चन हो सकता है 1 पेज का भी हो, क्वेश्चन हो सकता है वो 2 पेज का भी हो, लेकिन सॉल्यूशन 3 ही लाइनों का होगा। समझ में आ रही? मोटा मोटा यही है कैपिटल गेन, मतलब पहले दिन ख़त्म हो जाता है, लेकिन चलेगा काफ़ी लंबा, क्योंकि जब लो बना तो वकीलों ने, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अपने क्लाइंट को एडवाइस दे दे के ऐसी तैसी गवर्नमेंट की कर दी, हर बार प्लानिंग करते हैं वो लोग। इतना बेटा हरा मत को, वो जानबूझ के कई बार मैं निकालता हूँ, मतलब कई बार के मैं निकालता ही जानबूझ के हूँ कि थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी होता रहे, तो वो ऐसी तैसी नहीं, हंसो लेकिन, लेकिन हंसो लेकिन ऐसे नहीं, मतलब वो थोड़ा सा एक्वर्ड लगता है, मजे लो तो आंखों में आंखें डाल के मजे लो ना। ये जो मैंने कुछ कहा और वो शर्मा के जो मजे लेना होता है, तो वो मुझे बड़ा शर्मिंदगी फील होती है फिर उस चीज़। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो वहाँ पे बच्चे कर रहे थे ना ऐसा। तो खैर बात कर रहे थे हम कैपिटल गेन की, तो पहले दिन ही ख़त्म हो जाता आधा घंटे में वो, लेकिन चलेगा 15-20 दिन आपका, ठीक है ना। सब कुछ थ्योरी बेस्ड है उसमें भी, मतलब सुइयों तरह की सिचुएशन है। अब सुइयों 200 तरह की सिचुएशन है, वो क्यों आई, सबके पीछे लॉजिक है। मैं सब पहले कानून गवर्नमेंट के बनाए गए टूटे, हर जो भी गवर्नमेंट बनाती है सब तोड़ा गया उसे, कितनी भी परफेक्ट लैंग्वेज बना ले, तो अब जाके वो बेचारा वृद्धावस्था में पहुंचा है अपनी, और अभी भी टूटते हैं। खैर लो तो बस दिमाग लगाने वाला चाहिए। कैपिटल गेन कब लगेगा? अगर आप प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दो,
अब मैं दूसरी तरफ आ रहा हूँ, लिंक को हटाता हूँ। आपने कभी भी सुना होगा कि प्रॉपर्टी जितनी भी कभी भी खरीद लो, महंगी भी खरीद लो तब भी वो सस्ती है, ऐसा कहते हुए सुना होगा आपने, ठीक है ना। क्यों है ये बात? इसके दाम बढ़ने ही हैं, ठीक है। आज आपने कोई 10 लाख की चीज थी, गलती से आपको लगा 12 लाख की है, आप रखे रहो, 5 साल बाद 10 साल बाद ऐसा तो आएगा जब वो 12 लाख से ऊपर जाएगी। ऐसा नहीं है कि शेयर मार्केट की तरह एकदम गिरावट आ जाएगी, आपको पता ही नहीं क्या होगा। आइडिया के शेयर आज से 2 साल पहले 125 रुपये का था, धक्का खा रहा है 2-2.5 रुपये में इस समय, 3 रुपये में, अरे वाह, तो 3 रुपये 15 पैसे आज का रेट बता रहा है बंदा, तो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि अभी 4-5 दिन पहले 2 रुपये 70 पैसे था, बिल्कुल कन्फर्म है ये होगा। 125 रुपये का शेयर, किसी ने 1000 शेयर खरीद लिए हों गलती से, तो कितने रुपए के हो गए? 1.25 लाख रुपए के, 1.25 लाख रुपए के। अब 1000 शेयर बेचेगा तो कितने रुपए मिलेंगे? 3 रुपए, 3000 रुपए। वो जो लोग खरीदते हैं वो 1000 मतलब 10 लाख रुपए लगाते हैं, 20 लाख रुपए लगाते हैं, तो क्या हो गया होगा उनके साथ? अब एक चीज़ और बताता हूँ, अगर किसी को पैसा कमाना है, मतलब आपकी हो सकता है इंस्टीट्यूट की फीस ही निकल जाए, बस लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा, ये भूलना पड़ेगा कि आपने कुछ पैसे लगाए हैं। आइडिया के शेयर खरीद लो 8-10 हज़ार, आपकी इंस्टीट्यूट की फीस मैं निकलवा दूंगा पूरी, जो आपने दी है ना वो सब फ्री हो जाएगी। फ्री का मतलब है आप कमा लोगे। 10 हज़ार शेयर खरीद लो, आज कितने के मिलेंगे आपको? 30 हज़ार रुपये के, ठीक है ना। ये शेयर बढ़ना है, 4 साल का टाइम ओरिएंटेशन रख लेना, हो सकता है इसी साल आपको 30 हज़ार जो लगाए 3 लाख रुपये मिल जाए इसी साल। ये मान के चलना कि 30 हज़ार रुपये, बस संजय सर ने कहा था ये डूब गए, कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। रिस्क देखो, कमाने की बात अगर 100% कोई चीज़ होती तो मैं घर बैठ कर सब लगा देता। एक अपनी सोच होती है, सोच मार्केट से उल्टी, मतलब मार्केट क्या कर रहा है उससे उल्टी, अपने एक लॉजिक्स होते हैं। जिस दिन भी देखो गवर्नमेंट का फैसला आना है, आना है, आना है, जो इनके ऊपर ADR वगैरह की पेनल्टी लगी हुई है, गवर्नमेंट को छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो ये भगने वाली है कंपनी, रोना रोएंगी, कुछ भी करेंगी, ये ADR नहीं देंगी। और जिस दिन भी वो माफ़ीनामा, मतलब वो भी जो सुलहनामा या जो कंसेशन जो गवर्नमेंट को देने आ गया, और उस दिन देखना तुम छलांग इसकी। इसके अलावा आज से कुछ दिन पहले ये भी आया था कि हर कंपनी अपने रेट बढ़ाने वाली है, गवर्नमेंट ने कह दिया उन्होंने हम नहीं कर सकते इस रेट में। जियो ने सबसे सस्ता दिया था, जियो को पहल करनी पड़ी बढ़ाने की, हालत जियो की भी ख़राब है। उन्होंने कहा 5-5, 6-6 गुना, 10-10 गुना रेट बढ़ेंगे आपके, जो आज आपको मिल रहा है कि 600 रुपये में 3 महीने का, तो वो फिर 6000 रुपये में यानी पुराने रेट आ जाएंगे या पुराने थोड़ा सा कम आ जाएंगे। ये बढ़ना ही है। इंडिया में पूरे भारत पूरे वर्ल्ड का सबसे सस्ता डेटा है, तो जब भी ऐसा हो ना तो ये मत समझना ये परमानेंट है। ये केवल जियो की जो सोच थी वो ये थी कि सब कंपनियाँ भग जाएं फिर मैं राज करूँगी। सबसे बेईमान कंपनी रिलायंस है, ये समझ लीजिएगा आप, सबसे बदमाश कंपनी रिलायंस है, बहुत बदनाम है ये, लेकिन ठीक है, जो भी उसकी बिजनेस पैसे के दम पर वो कर रहा है तो ठीक है, लेकिन वो भग नहीं पाई। एयरटेल है, आइडिया है, वोडाफोन है, उन्हें लोस सह के भी काम करा, अल्टीमेटली हालत तो जियो की भी ख़राब है, ठीक है। तो जिस दिन भी रेट बढ़ेंगे, क्या लगता है आपको इन्वेस्टर जो भी बड़े बड़े बैठे हुए हैं, 3 रुपये का जो शेयर है तो 3 रुपये में थोड़ी रहेगा, वास्तव में इसकी कीमत 3 रुपये थोड़ी है। ये सबसे डाउन पर चल रहा है इस समय, सबसे डाउन पर, इससे गिरने के चांसेस अब नहीं है, ये भी समझ लीजिए। मतलब रिस्क मैं कह रहा हूँ 30,000 भूल जाओ, भूलने का मतलब क्या है, जब 0 पे हो जाएगा, ऐसा होता है क्या? 0 पे तो तब भी नहीं हो ना, 2 रुपये पर आ जाएगा, 1 रुपये पर आ जाएगा, वो फॉर द टाइमिंग। तो जब भी ये बढ़ना शुरू होगा, 5 साल का मैं कह रहा हूँ, लेकिन 5 साल भी इंतज़ार करना नहीं पड़ेगा, विद इन 1 ईयर ही आपको 10 गुना तो कम से कम रेट आने ही है। वो कहीं 100-125 रुपये पहुँच गया तो आप सोच नहीं सकते कि कितना आ जाएगा। 30,000 रुपये लगाओगे 10 लाख रुपये आ जाएंगे आप क्या?
अब ये जिसके पास है लगाने के लिए मैं तो उन्हें एडवाइस कर दी है। चलिए खैर, अब कम टू द पॉइंट, छोटे छोटे रिस्क ले सकते हो आप, ऐसा नहीं है, पैसा कमा सकते हो। देखिए कम टू द पॉइंट, हम बात कर रहे थे अब सब लोग आइडिया में खो गए। हम बात कर रहे थे कि अगर आप जमीन में पैसा लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तो सबसे ज़्यादा सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट माना जाता है। देर सवेर, नुकसान कभी नहीं होगा। देर लग सकती है, अब वो भी देर क्यों लगेगी, हो सकता है आपने एस्टिमेशन गलत लगाया हो, बाजार रेट से फालतू में खरीद लिया हो, तो थोड़ा ज़्यादा देर लग जाएगी आपको, लेकिन बढ़ने ही है रेट, तो कम कभी भी नहीं होने इन चीज़ों के रेट। अब फिर भी सबसे ज़्यादा सिक्योर्ड है, लेकिन अगर हम ट्रांजेक्शन की बात करें, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन की, शेयर मार्केट में ज़्यादा होता है ज़मीनों में ज़्यादा होता है, शेयर मार्केट में, जबकि वो रिस्की है। अब बहुत हाईली रिस्क है, ज़मीन रिस्की नहीं है तब भी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कम होती हैं उसमें। क्या मतलब है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जिस भी मकान में आप रहते हो, जिस भी प्रॉपर्टी में आप रहते हो, उसका पिछले साल का 200-300 साल का डेटा उठा के देख लीजिएगा कि कितने ओनर बदले गए होंगे, मतलब आप हो, आपसे पहले कोई होगा, उससे पहले कोई होगा, 2-3 ही मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। लेकिन शेयर मार्केट में क्या है, रोजाना डेली बेसिस पर जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, डेली बेस पर आज मैंने खरीदे, ₹1 बढ़ा फिर बेच दिया, फिर दोबारा से खरीद लिया उसे फिर बेच दिया, एक ही दिन में जो लोग खरीद बेच करने वाले होते हैं ना, एक ही दिन में ओनर बदलते हैं। इसके पीछे क्या कारण है, रिस्की होने के बाद भी देखिए क्या कारण है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी एस्टिमेशन, ठीक है ना, और फास्ट मनी, मतलब आप अगर नुकसान पे बेचना चाहते हो शेयर को तो एकदम बिक जाएगा, जमीन अगर नुकसान पे भी बेचना चाहते हो तो भी एकदम नहीं बिकने की, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा आपको। कैश जो शेयर में इन्वेस्टमेंट है वो लाइक ए कैश है, कैश है नहीं वैसे, लेकिन लाइक एक कैश ही है, जैसे आपके पास कैश है, एक तो ये बात। दूसरा, प्रॉपर्टी के ओनर क्यों नहीं बढ़ते हैं, मतलब क्यों ट्रांजैक्शन नहीं होती हैं, ये रामू है, ये दो प्लॉट हैं इसके, प्लॉट वन और प्लॉट टू, दोनों की कीमत जो है 1 crore है। रामू ने जो है एग्रीमेंट किया कालू से, प्लॉट नंबर 1 बेचने का, सेल कर दिया इसने, ठीक है। ये वाला जो प्लॉट है कालू के पास आ गया, जब खरीदेगा कालू तो रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी देगा, 1 crore में तो खरीदा है, रजिस्ट्री भी तो देगा ना, तो माना मैं मानता हूँ कि 10% जो है रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो कालू को जो बाइंग कॉस्ट पड़ी, BC पड़ी कालू के हाथ में, वो कितनी पड़ी, 1.10 crore। कालू को भी बेचना है, रामू को भी बेचना है दूसरा प्लॉट। कालू जब तक नहीं बेच पाएगा जब तक कि रामू का प्लॉट 2 ना बिके, क्योंकि रामू अभी भी उस प्लॉट को 1 crore में बेच सकता है, लेकिन कालू के हाथ में तो कॉस्ट ही 1.10 crore पड़ी, तो 10 lakh का तो उसे इंतजार करना पड़ेगा कि पहले मार्केट रेट बढ़ने दो। दूसरे आदमी के तो 1 crore की चीज़ है, वो तो 1 crore में लेके अभी भी घूम रहा है, तो तुम तो कौन खरीदेगा,
1,10,00,000 से ऊपर, मतलब 1,10,00,000 की तो तुम्हें पड़ी है, प्लस तुम्हें प्रॉफिट भी चाहिए, जब 1,00,00,000 का इन्वेस्टमेंट करके आ रहे हो तो उससे फालतू ही चाहिए ना, नहीं खरीदेगा। यानी कि अब मेरे मन में आ भी रहा है इसे बेचने का, तो तीसरे आदमी के हाथ में फिर क्या होगा, कालू के बाद जो सेल होगा उस पर फिर 10% रजिस्ट्री चार्ज लगेंगे। जितने भी आप बार बार ट्रांजेक्शन करते चले जाओगे, 1,00,00,000 की है, 10,00,00,000 तो एकदम बढ़ रहे हैं, ऐसे क्या आग लग थोड़ी लगती है प्रॉपर्टी में। मैंने अब खरीदा, मैं चाहूँ थोड़ी देर बाद बेचना चाहूँ, शेयर मार्केट में क्या होता है, अभी खरीदा 5 मिनट बाद बेच देता हूँ, 1,00,00,000 बढ़ते ही बेच देता हूँ मैं, क्यों, क्योंकि उसमें रजिस्ट्रेशन चार्जेज नहीं होते हैं, रजिस्ट्री नहीं करानी पड़ती, 10% जो आपको देना पड़ेगा। समझ आ रही है बात, लिक्विड मनी की तरह। ये लिक्विड क्यों नहीं हो पाई, वो इसलिए तो नहीं हो पाई कि जो भी खरीदेगा पे 10% अपनी, यानी जो लंबे इन्वेस्टर होते हैं जिन्हें 10 साल 15-20 साल के लिए चाहिए होती है वही कराते हैं रजिस्ट्री, अदरवाइज नहीं कराते हैं। आदमी की ट्रांसफरिंग जॉब है, या शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट आप बदलते रहते हो, रिलायंस के ले लिया आपने, कल को आपने टाटा के ले लिए, परसों को आपने HDFC बैंक के ले लिए, लेकिन प्रॉपर्टी में क्यों नहीं बदल पाता। मन तो करता है कि अब इस घर में बहुत दिन रह लिए, चलिए अब कोई और अच्छा घर लेते हैं, लोकेशन बदल लेते हैं, नहीं बदल पाता। ट्रांसफरिंग जॉब है, आप मेरठ में रहते हो, दिल्ली चले गए आप, तो दिल्ली में किराए के मकान में रहना पड़ता है आपको, जबकि आपके पास हो सकता है पैसा हो और आप मकान खरीद सकते हो, लेकिन क्यों, क्योंकि 3 साल बाद या 2 साल बाद जब आप ट्रांसफर करोगे फिर से किसे बेचोगे, फिर दिक्कत पड़ जाएगी। ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है लोगों ने इस दिक्कत को, और कैपिटल गेन भी लगता है, कैपिटल गेन भी लगता है जब बेचोगे तो प्रॉपर्टी टैक्स भी लगेगा। लोगों ने क्या करना शुरू करा, ध्यान दीजिएगा, माने बिल्डिंग है, इसमें फ्लैट हैं कितने, 9, इसे कंपनी के नाम रजिस्टर करवा लिया। बेटा तुम समझ नहीं रहे हो, फिर पूछोगी सर क्या, कीमत समझ नहीं पा रही हो आप इसकी, अगर पैसा कमाना है। अभी देखना, आपने कंपनी के नाम खरीद लिया थे, कंपनी ने मेमोरेंडम बनाया, आर्टिकल बनाया, उसमें लिख दिया कि जो भी हमारे 1,00,00,000 रुपए के शेयर खरीदेगा उसे एक फ्लैट अलॉट कर दिया जाएगा। रामू ने कंपनी के 1,00,00,000 रुपए के शेयर खरीद लिए, रामू को फ्लैट अलॉट हो गया। रामू अब कालू को बेचना चाहता है इस फ्लैट को, तो क्या करेगा, शेयर बेचेगा फ्लैट बेचेगा, शेयर बेचते ही फ्लैट भी उसका हो गया, जो बार बार 10% रजिस्ट्री जा रही थी वो नहीं जाएगी, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। ये तो कैपिटल गेन की प्लानिंग है, ठीक है। यहां डीम्ड ओनर क्यों आया, वास्तव में कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, इन लोग, इन फ्लैट के ओनर कौन है, लेकिन रामू सेल बी डीम्ड टू बी द ओनर ऑफ दैट फ्लैट, इसलिए डीम्ड ओनर का कॉन्सेप्ट लाना पड़ा इन्हें। वास्तव में रियल सेंस में जो लो हम पूरा पढ़ते हैं कुछ भी है तो वो तो कंपनी ओनर है ना, मेंबर तो ओनर नहीं हो सकता उसका कानूनन तौर पर, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स इससे लेना है रामू से कालू से, तो जिन्हें भी ये अलाउड हो गया उसी को क्या मान लिया जाएगा, डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा। समझ आ गई बात आपके, तो ये बहुत जबरदस्त प्लानिंग हुई थी गवर्नमेंट को भी रातों रात, जब मैं पढ़ाऊंगा वहां पे, मतलब मजा उसका वहीं दिलवाता वैसे तो मैं, क्योंकि पहली क्लास में ही इतनी सारी चीजें आ जाएंगी डेफिनेशन डेफिनेशन में ही, ठीक है ना, तो उसके साथ जब वो समा बनता है प्लानिंग का तो उसका मजे ये लगाता है, लेकिन फिर भी बीच में लिखवा दिया था मैंने, इसलिए बता दिया था मैं। ऑल दो जो लॉजिक है इसका यही है, बता मैं कुछ भी देता आपको, हाँ सर समझ में आ गया, ये क्यों डीम्ड ओनर माना जाए समझ में आ गया, जबकि लॉजिक ये है कि रियल ओनर तो कंपनी है इसकी,
लेकिन माना जाएगा इसे। और ये संभव होता है मेंबर इन ए कंपनी और ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, मतलब जिनकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। वर्ड ये नहीं मिलेंगे कि आप पार्टनर इन ए फर्म है, क्योंकि फर्म की एक सेपरेट लीगल एंटिटी इन द आई ऑफ लॉ होती नहीं है इन जनरल लॉ, तो वो नहीं मिलेगा। ऐसे वर्ड मिलेंगे जिनकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। तो जब मैं वहाँ पढ़ाऊँगा आपको जो अब पूरी लैंग्वेज है वहाँ पर, फिर इसकी यहाँ पर पूरी लैंग्वेज किसी भी बुक में नहीं है, ना जरूरत है डीम्ड ओनर में, बस सिंपल लिखा है समझ में आती बात। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, तो एक एक वर्ड एक एक कोमे का मतलब है, उससे मज़ा आता है। अच्छा ये नहीं होता तो क्या होता, ये नहीं होता तो क्या होता। तो गवर्नमेंट को भी समझ में नहीं आया था रातों रात कि क्या नाम दें इसका। तो जब आप वहाँ पढ़ोगे तो पता लगेगा उन्होंने क्या किस तरह का नाम दे रखा है इस तरह की ट्रांजेक्शन को। गवर्नमेंट के समझ में नहीं आए क्या करें, कैसे रोकें इस चीज़ को। तो गवर्नमेंट ने अब इनकम टैक्स में तो रोक दिया इस चीज़ को, एक कॉन्सेप्ट लगा के कि जिससे गवर्नमेंट को कैपिटल गेन टैक्स मिल जाए। पहले गवर्नमेंट को कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं मिलता था इस चीज़ से, लेकिन अभी भी अंडर द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट ये तब भी फायदे का सौदा है। अगर आपको प्रॉपर्टी ऐसी बनानी है जिसकी बार बार सेल परचेज हो पाए, मतलब जिनकी बार बार सेल परचेज हो पाएगी कीमत अपने आप ही ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, तो ये बताओ शेयर मार्केट में ऐसा रातों रात क्या हो जाता है जी कि 1000 रुपये एकदम ऊपर उड़ गया या 1000 रुपये एकदम नीचे हो गया, मतलब एकदम क्या हो। कोई फंडामेंटल रीजन थोड़ी होते हैं कुछ भी। सोना जी कल 1500 रुपये बढ़ गया, दो दिन पहले 1000 रुपये एकदम गोता खा गया था वो, तो फंडामेंटल रीजन कुछ नहीं होते इनके, केवल फ्रिक्वेंसी होती है। तो अगर आपने एक प्रॉपर्टी ऐसी क्रिएट कर ली जिसकी फ्रिक्वेंटली सेलिंग परचेजिंग हो सके, तो उसकी कीमत तो अपने आप ही डबल हो जाती है। तो आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के खरीद लेनी चाहिए या कंपनी बना के खरीद लेनी चाहिए। जैसे ये दो अलग अलग प्लॉट हैं, एक रामू का है एक कालू का है, मान लो बराबर बराबर के हैं, दोनों की 1-1 करोड़ रुपये की वैल्यू है, ठीक है। रामू ने शुरुआत में ही कंपनी के नाम खरीदा है, कालू ने अपने नाम खरीदा। अब एक नया बायर आया, रामू ने कहा जी 1 करोड़ का, कालू ने भी कहा 1 करोड़ रुपये का। रामू ने समझाया कि तू मेरे से खरीदेगा तो तेरे 10% पैसे बच जाएंगे, लेकिन मैं तेरे से 4 लाख रुपये फालतू लूंगा, फायदा तुझे भी है मुझे भी है, मतलब मैं कुछ भी शेयरिंग हो सकती है। तो आप ही बताइए कि जो बंदा है वो कालू का नहीं खरीदेगा रामू का खरीदेगा, तो आपके बैठे बैठाए पैसे बच गए। आपने दिमाग लगा लिया खरीदते वक्त कि कैसे खरीदनी है मेरी प्रॉपर्टी। तो ये प्लानिंग अभी भी एग्जिस्ट करती है अंडर द टीओपी एक्ट, यानी टीओपी एक्ट पुराना है, गवर्नमेंट वहाँ जगती नहीं है, सोती रहती है, तो वहाँ तो प्लानिंग अभी भी पॉसिबल है। लेकिन रेवेन्यू लो अगर आज कुछ प्लानिंग हुई, रातों रात कैबिनेट की मीटिंग बैठेगी, अभी से इमीडिएट इफेक्ट से अमेंडमेंट ले आते हैं वो। रेवेन्यू लो इतने सख्त होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 1872 का है, कभी एक आध बार कुछ अमेंडमेंट आया हो तो आया हो, नहीं तो जो गलतियां हैं पढ़ी रहने दो, क्या बिगाड़ रही है हमारा, गवर्नमेंट का कुछ नहीं बिगाड़ रही है, बिगड़ेगा आपस का आपन में, एक पार्टी के साथ इंडस्ट्री होगा दूसरी पार्टी उसके मेरी ले लेगी बस, और क्या होगा, गवर्नमेंट का क्या फर्क पड़ना। तो ये जो एक्ट है वो सुधरते ही नहीं है, लेकिन GST है, इनकम टैक्स है, ये डेली बेसिस पर गवर्नमेंट लगी रहती है इसमें, पूरे इंडिया में कौन कौन सी अदालत क्या क्या जजमेंट दे रही है, उस जजमेंट की स्टडी निर्मला सीतारमण करती होंगी। एग्जैक्टली वो तो नहीं करती, उन्हें तो लोगों से पता ही नहीं, ABCD भी नहीं पता, मतलब मोदी सरकार का जो फेल्यूर मैं मानता हूँ कि एक गलत महिला को आपने फाइनेंस मिनिस्ट्री की कुर्सी पर बिठा दिया। फाइनेंस मिनिस्ट्री की कुर्सी पर या तो वकील बैठना चाहिए या चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठना चाहिए, जो या इकोनॉमिस्ट बैठना चाहिए जिसे इकोनॉमी की समझ है तो वो बैठना चाहिए, लेकिन जिसे समझ नहीं है तो केवल एम्प्लाई जो होते हैं उन्हीं से कराना पड़ता है। फिर कभी भी निर्मला सीतारमण जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही होंगी तो कुछ प्रश्न पूछ लें तो बराबर में अच्छा इनसे पूछिए ये जवाब देंगे, अपने आप जवाब बहुत कम देती है वो, क्योंकि वो समझ नहीं पाती होगी ना उन क्वेश्चनों को, ये पूछना क्या चाह रहा है, एक्ट में क्या अमेंडमेंट हैं या क्या प्रोविज़न है। तो जो उनके IAS ऑफिसर वगैरह ये होते हैं फिर वो दे देते हैं जवाब। ये भी समझाऊंगा मैं, लोग पढ़ाते पढ़ाते जो हम आज की स्थिति जी रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ मनमोहन सिंह की वजह से जी रहे हैं,
जो लोग जानते हैं, मतलब मनमोहन सिंह अगर नहीं होते वित्त मंत्री 1991 में तो हमारा देश कई बार बिक चुका होता। उन्हें पूरे वर्ल्ड का बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर माना जाता है, बेस्ट इकोनॉमिस्ट माना जाता है उन्हें, जबरदस्त उनमें नॉलेज है। बस कमी क्या है, आज की तारीख में उन्हें बोलना नहीं आता, कम्युनिकेशन है नहीं है, कंटेंट है उन पर लेकिन आज की तारीख में कंटेंट नहीं बिक रहा। बिकना कंटेंट चाहिए, अगर आपको लाइफ बनानी है तो बिकना कंटेंट चाहिए, लेकिन वो कंटेंट नहीं बिकता, फालतू की जो चीज़ें हैं वो बिकती हैं। अजो कांग्रेस की सरकार आई भी दो बार, वो आई मनमोहन सिंह की वजह से, लेकिन तीसरी बार आपने चेहरा दिखाया, पप्पू बनेगा इस बार प्रधानमंत्री। दुर्भाग्य, जिस समय 2014 में इलेक्शन हुए तो उस समय मनमोहन सिंह इज नॉट द फेस ऑफ कांग्रेस। अगर मनमोहन सिंह फेस होते इतनी बुरी स्थिति तो नहीं होती। हाँ, कुछ भी हो सकता, दो बार मनमोहन सिंह को फेस रखा वो बनी, चाहे जुगाड़ लगा के बनी, कुछ भी करा आपने, फेस इंपॉर्टेंट बहुत होता है। आडवाणी अगर फेस होते 2014 में तो फिर तब भी नहीं बनते, आडवाणी भी वेटिंग करते रहे बस कि यार मैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार, मेरे साथ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो उम्मीद तो थी उन्हें कि उन्हें बना दिया जाए, लेकिन ये भी सच्चाई है अगर उन्हें बनाया जाता तो फिर ये बीजेपी की जीत भी नहीं होती। तो एक फेस होता है, लोगों को लगता है कि हाँ ये कुछ करेगा। क्लियर है? चलिए आज यहीं तक रखते हैं, आज आपका हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर जो है बिल्कुल एंड हो गया, एक बंद कर दीजिए।